जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। और दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, स्पेशली ये बहुत सारे लोगों के ये डाउट है कि कई लोगों के जो फिजिकल और मेडिकल के टाइम पे जो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स हुए थे वो मैच नहीं किए थे। और आप सभी को पता है, मैच नहीं करने के बावजूद भी उन सभी का मेडिकल हुआ था। तो दोस्तों, उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि एक बंदे ने ये मेरे को लिख के भेजा है कि सर, SSC GD के जब बायोमेट्रिक मेडिकल के टाइम पे जब टेस्ट हुआ था, तो कई लोगों के, मतलब बहुत सारे लोगों का, ऐसा बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन हाँ, फिर भी काफ़ी लोगों के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए थे बायोमेट्रिक से। तो अब उनका क्या होगा, क्या उनको भी फर्जीवाड़े से जो मिल जाएगी, या क्या होगा उनका, तो इसके बारे में। तो दोस्तों, साथ ही बता दूँ, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और SSC GD से संबंधित मैंने काफ़ी वीडियो बना रखा है, जिन्होंने फिजिकल चैलेंज के लिए मैंने एक चैलेंज दिया था आप सभी को। काफ़ी लोगों ने वीडियो भेजे हैं, और भी अगर कुछ लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। और फिजिकल जो चैलेंज है मेरा, उसको कम्प्लीट करके मेरी तरफ से जो शानदार से टी शर्ट या लोवर आपकी जो इच्छा होगी वो मेरी तरफ से जीत सकते हो। जो फिजिकल फिटनेस, उसमें मैंने बता रखा है कैसे आपको चैलेंज पूरा करना है, उसका वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। और जिसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, top 3, top 4 या top 5, उनको मैं अपनी तरफ से उनके एड्रेस पर टी शर्ट भेजने वाला हूँ दोस्तों। तो अगर जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और इस पर भी दे रहा हूँ आई इन्फॉर्मेशन पे, तो आप जाके देख सकते हो दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि उनका क्या होगा। तो आपको बता दूँ, अभी 1 दिसंबर 2020 में जालंधर GC का सेम ऐसा ही केस आया है, जिस ये आपको शायद यहाँ पर आप इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि इसको पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर, इसको आप इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि थोड़ा सा बहुत कठिन है, इस पर नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन मैंने इसको देखा अच्छे से, और जूम कर करके इसको अच्छे से पढ़ाया। तो दोस्तों, इसमें वही केस है जिनका ये हुआ है कि जिनके बायोमेट्रिक से, मतलब फिजिकल के टाइम और मेडिकल के टाइम बायोमेट्रिक से फिंगरप्रिंट्स नहीं मैच खाए थे, उनको डिपार्टमेंट की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 1 मंथ का, जालंधर GC का ये केस है, जालंधर GC में उनको जिनका हुआ था, उनको ये नोटिस भेजा गया है, उनको 1 महीने का टाइम दिया गया है कि 1 महीने में आप इसके खिलाफ, मतलब कोई भी कार्रवाई कर सकते हो, क्योंकि उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए। अगर वो दावा करते हैं कि हम सही है, तो वो 1 महीने के अंदर अंदर वापस से दावा कर सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को कि हाँ नहीं, हमारा जो बायोमेट्रिक जो टेस्ट हुआ था वो सही है, तो वो दावा पेश कर सकते हैं। बाकी उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, ये आप देख रहे हो 1 दिसंबर, इधर ऊपर डेट दी गई है 1 दिसंबर 2020। तो उस समय जालंधर GC से ये केस आया है, जिसमें ये उन्होंने फिक्स क्लियर कर दिया, 4 नंबर पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि आपको 30 डेज की परमिशन दी गई, जिसके लिए आप अपना दावा पेश कर सकते हो कि हाँ, मैं वही बंदा हूँ जो फिजिकल दिया और मेडिकल दिया। अब इसका कारण बस पता नहीं मुझे, क्यों मेरे फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं खाए। अगर आपके भी ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, तो दोस्तों आप स्टाफ सिलेक्शन से कमीशन से कनेक्ट करिए, और जिनके नहीं थी उनको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जिनकी थी ऐसी प्रॉब्लम, तो वो जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसमें केवल 30 दिन का ही टाइम दिया गया है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।